एक्सेस अमीनो एसिड को जब निकाल दिया जाता है लीवर में तो डीएमिनेशन हो जाता है। अब वो जो अमीनो एसिड्स सॉरी एमीन ग्रुप जो हैं, जो एमिनो एसिड से निकले, वो एमीन ग्रुप जो है वो अमोनिया बनाते हैं। अमोनिया चूंकि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है बॉडी के अंदर, इसीलिए उसका फॉर्म तुरंत ही चेंज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और साथ ही साथ अमोनिया को अगर बॉडी से बाहर निकालना हो तो बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, उतना वाटर हमारे पास है नहीं, क्योंकि हम लोग टेरेस्ट्रियल लाइफ जी रहे हैं, पानी में तो तैर नहीं रहे हैं कि उसमें तैरते तैरते अमोनिया निकालते जाएंगे नया पानी मिलता जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो टेरेस्ट्रियल लाइफ होने की वजह से अमोनिया, और अमोनिया का बहुत जहरीला होने की वजह से उसको तुरंत दूसरे फॉर्म में चेंज करना बहुत ज़रूरी है। और वो दूसरा फॉर्म क्या होता है? यूरिया। तो लीवर में जो अमोनिया बनता है उसको तत्काल यूरिया साइकिल में भेज के उससे यूरिया बना लिया जाता है, ताकि उसको थोड़ी देर तक स्टोर किया जा सके बॉडी के अंदर, जो जब उपयुक्त मौका मिले, सही समय मिले, सही जगह मिले, तो उसको निकाल दिया जाए थ्रू यूरिन बाहर। तो इस यूरिया साइकिल के दौरान दो नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड्स इस्तेमाल होते हैं, या बनते हैं ये कहिए, वो ऑर्निथिन और सिट्रुलिन होते हैं। तो खैर उसका डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, यूरिया साइकिल का, डाइजेस्टिव सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम में मोस्ट प्रोबेबली उसको पढ़ेंगे हम लोग। इसके अलावा और जो नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स भी हैं हमारे पास, जैसे कि होमो आर्जिनिन और डाई अमीनो ब्यूटायरिक एसिड। तो ये दोनों जो नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड हैं, ये क्या होते हैं? दे एक्ट एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट जब सेल को होती है तो होमो आर्जिनिन और डाई अमीनो ब्यूटायरिक एसिड से नाइट्रोजन ऑप्टेन कर लिया जाता है, क्योंकि अमीनो एसिड तो है ही है, ये भले प्रोटीन ना बना रहे हो तो नाइट्रोजन यानी अमीन ग्रुप तो होगा इनमें। इसके अलावा एक और हमारे पास एग्जांपल है जिसको हम कहते हैं गाबा। गाबा का फुल फॉर्म है गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, तो GABA गाबा हो गया ये। तो ये गाबा क्या होता है? गाबा जो होता है एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का क्या, न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब क्या हो गया? कि कहीं ना कहीं ये नर्व सेल्स से निकल रहा होगा। तो ये निकलता कहाँ है? ब्रेन में। और इनहिबिटरी का मतलब कि कोई कोई रोल जो है, देखो दो तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, एक को हम कहते हैं एक्साइटेटरी और दूसरे को कहते हैं इनहिबिटरी। तो न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होने के बाद अगर वो किसी प्रक्रिया को शुरू करवा रहा है, किसी काम को स्टार्ट करवा रहा है, तो वो कहलाएगा एक्साइटेटरी। लेकिन अगर न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होने के बाद कोई चलती हुई प्रक्रिया रुक जा रही है, बंद हो जा रही है, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर कहलाएगा इनहिबिटरी। तो जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ाएंगे तो उसमें एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी दोनों तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर की बात आएगी। फिलहाल बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड में एक एग्जांपल गाबा है जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ये बात आपको याद रखनी है। गाबा जो है हमको वहाँ फिर मिलेगा, न्यूरोट्रांसमीटर जब पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम चैप्टर में। इसके बाद हमारे पास एक और एग्जाम्पल है और ये लास्ट एग्जाम्पल है डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड, इसको हम लोग कहते हैं डापा। तो एक गाबा हो गया और एक डापा हो गया। अब ये जो डापा होता है ये क्या होता है? इट इज एन इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट इन
लाइसीन सिंथेसिस, लाइसीन सिंथेसिस। तो लाइसीन एक प्रोटीन फॉर्मिंग एमिनो एसिड है, तो वो प्रोटीन फॉर्मिंग एमिनो एसिड कैसे बन रहा है? डापा से। डापा एक नॉन प्रोटीन फॉर्मिंग एमिनो एसिड है। तो ये बातें हो गई नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड्स की। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड की, प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड्स। तो भाई दो तरीके की प्रॉपर्टी इनकी होती है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी। तो दोनों तरीके की प्रॉपर्टी यानी कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये किस चीज पे डिपेंड करती हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड्स, एसिड्स डिपेंड अपॉन तीन चीजों पर डिपेंड करती हैं। सबसे पहला एमिनो ग्रुप, दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप, और तीसरा जो है आर ग्रुप। तो जैसे जैसे ये तीनों चीजें चेंज होती हैं, वैसे वैसे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी एमिनो एसिड की वो चेंज हो जाती हैं। तो अगर एक्स्ट्रा एमिनो ग्रुप है, एक अमीन के साथ दूसरा एमिनो ग्रुप भी है, तो वो एमिनो एसिड कैसा हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। अगर एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो वो एमिनो एसिड कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। अगर एक ही एमिनो और कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो वो एमिनो एसिड न्यूट्रल हो जाएगा। इसी तरह आर ग्रुप जो है वो बेसिकली उसमें हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, लेकिन कुछ एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जिसमें रिंग स्ट्रक्चर होता है, यानी चेन की जगह रिंग मौजूद होती है। तो ऐसे एमिनो एसिड्स को हम एरोमेटिक एमिनो एसिड कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखना है। तो एमिनो ग्रुप में चलो ठीक है, अब इसको हम आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब पॉइंट वाइज लिख देंगे, समझ में आ जाएगा। तो ये तो हो गई प्रॉपर्टीज की बात, अब बात करते हैं टाइप्स की बात। तो टाइप जो है वो इन प्रॉपर्टीज पे ही डिपेंड करता है, टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स। तो स्ट्रक्चर और रिएक्शन के बेसिस पे जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो 7 टाइप के होते हैं, 7 टाइप्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन। रिएक्शन या कह लो या फंक्शन कह लो, बात तो वही है, रिएक्शन करना ही इसका फंक्शन है। तो अब एक एक करके इसको हम लोग डील कर लेते हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है वो हो गया न्यूट्रल अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो इसको न्यूट्रल एमिनो एसिड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें एक एमिनो ग्रुप होता है और एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो इस कंडीशन में ये न्यूट्रल एमिनो एसिड हो गया। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स याद रखना। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास ग्लाइसिन, उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल है एलेनिन, और फिर है वैलिन। तो ये तीनों एमिनो एसिड कैसे हो गए? न्यूट्रल एमिनो एसिड हो गए। एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। दूसरा जो होता है वो होता है एसिडिक, एसिडिक एमिनो एसिड। तो एसिडिक एमिनो एसिड का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि इनमें क्या होता है, एन एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो जैसे ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है, ये COOH, ये इधर NH2, इधर H और इधर R।
हो सकता है आर ग्रुप में एक और एसिडिक ग्रुप या कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ हो, जिसके वजह से यहाँ पे दो एसिड ग्रुप हो जा रहे हैं और इसी वजह से ये अमीनो एसिड कैसा हो जा रहा है, एसिडिक। तो यहाँ पे एग्जांपल लेना भी जरूरी है। पहला एग्जांपल है ग्लूटामिक एसिड और इसके सॉल्ट को हम लोग ग्लूटामेट कहते हैं। उसी तरह दूसरा है एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड इसके सॉल्ट को हम लोग एस्पार्टेट कहते हैं। तो दोनों नामों से लिखा जाता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो ये दूसरा हो गया एसिडिक एमिनो एसिड। नंबर थ्री है हमारे पास बेसिक एमिनो एसिड। अब बेसिक एमिनो एसिड बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि इसमें एक एडिशनल अमीन ग्रुप प्रेजेंट होगा या अमीनो ग्रुप। तो हैज एन एडिशनल अमीनो ग्रुप, तो यही ऊपर यहाँ पे जैसे हमने दिखाया, यहाँ सी ओ एच की जगह एन एच टू लगा दो तो क्या होगा, एक एक्स्ट्रा एन एच टू हो जाएगा, एक तो ऑलरेडी है तो यानी इसकी बेसिसिटी बढ़ जाएगी, तो बेसिक अमीनो एसिड कहलाएगा। और यहाँ पे हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं आर्जिनिन और लाइसिन। अभी हमने बताया था ऊपर कि लाइसिन का प्रिकर्सर डापा होता है, डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड। तो ये हो गया अब तीसरा बेसिक अमीनो एसिड। अब जो चौथा होता है वो होता है सल्फर कंटेनिंग, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। तो इसमें कुछ लिखना नहीं है, खाली एग्जांपल लिखने, भाई पता चल रहा है टाइटल से ही कि इसमें सल्फर होगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं सिस्टीन और मेथियोनीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं भैया, याद रखना इनको। ये पूरा ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कई बार पूछा जा चुका है, बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पांचवें नंबर पे हमारे पास है एल्कोहलिक अमीनो एसिड। तो ये ऐसे अमीनो एसिड होंगे जिसमें क्या प्रेजेंट होगा, एल्कोहलिक ग्रुप या ओएच ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ऐसे अमीनो एसिड एल्कोहलिक, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हैज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको मालूम ही है ओएच ग्रुप को कहते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं, एक है सेरीन और दूसरा है थ्रियोनीन। तो ये दोनों एल्कोहलिक एमिनो एसिड हो गए। तो ये हो गया था नंबर पाँच। नंबर छः की अगर हम बात करें तो अब बात आती है एरोमेटिक अमीनो एसिड्स की। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड का मतलब क्या हो गया, ऐसे अमीनो एसिड जिसमें आर ग्रुप में रिंग हो, चेन ना हो। तो ये क्या होते हैं, इनके पास क्या होता है, दे पजेस रिंग और साइक्लिक स्ट्रक्चर इन आर ग्रुप। तो जो आर ग्रुप अटैच है उसमें रिंग या साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा। और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे सल्फर कंटेनिंग वाला इम्पॉर्टेंट था, वैसे भी एरोमेटिक वाला भी कई बार पूछा जा चुका है। तो इसके एग्जांपल्स भी आपको याद रखने हैं, पहला है फिनाइल एलनिन, दूसरा है ट्रिप्टोफैन और तीसरा है टायरोसिन। तो ये तीनों जो है वो एरोमेटिक एमिनो एसिड्स के एग्जांपल हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो ये छठा हो गया। अब लास्ट हमारे पास नंबर सेवन, इसको कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक एमिनो एसिड्स, हेट्रोसाइक्लिक एमिनो एसिड।
तो हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या हो गया, जैसे ऊपर वाले में हम कह रहे थे कि एरोमेटिक एमिनो एसिड, तो एरोमेटिक का मतलब क्या हो गया कि ये एमिनो एसिड इस तरह से है NH2, इधर H और इधर R ग्रुप में ये इस तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर कुछ बन जाएगा, तो ये हो जाएगा एरोमेटिक एमिनो एसिड। लेकिन जब हेट्रोसाइक्लिक की बात करेंगे तो वहाँ पे बाकी सारी चीज़ें तो सेम रहेंगी, ये सारे स्ट्रक्चर सेम रहेंगे, लेकिन ये जो रिंग है इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट रहेगी। तो ये बात आपको ध्यान देनी है, ये ऐसा रिंग स्ट्रक्चर है जिसमें नाइट्रोजन की भी मौजूदगी है, यानी कि ये रिंग जो है सिर्फ कार्बन से नहीं बनी हुई है, बीच बीच में इसमें नाइट्रोजन है, इसीलिए इसको हेट्रोसाइक्लिक कह रहे हैं। अगर सारा कार्बन होता एटम रिंग को बनाने के लिए तो इसको होमोसाइक्लिक रिंग कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि हैज नाइट्रोजन इन द रिंग स्ट्रक्चर, जैसे कि यहाँ पे भी एग्जांपल इम्पोर्टेंट है, हिस्टिडीन और प्रोलीन, तो ये दोनों क्या हैं, हेट्रोसाइक्लिक एमिनो एसिड्स। तो ये 7 टाइप के एमिनो एसिड और उसके एग्जांपल्स आपको बेहद संजीदगी से याद रखने हैं, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। अगर एमिनो एसिड से क्वेश्चन आएगा तो इन टाइप्स में से एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाएगा, ये बात ध्यान रखिए। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड क्या चीज होती है। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन ही हम लोग देख लें, बॉन्ड भी देखेंगे और वो कैसे बनता है ये भी देख लेंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट की जब हमने बात की थी तो वहां देखा था कि जो मोनोसेक्राइड यूनिट्स होती हैं वो एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ी रहती हैं। यहाँ पे क्या होता है कि एक एमिनो एसिड जब दूसरे एमिनो एसिड से जुड़ता है तो उन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड बेसिकली क्या होता है, एमाइड बॉन्ड होता है। तो बेसिकली इट इज एमाइड बॉन्ड, क्योंकि कभी कभी इसका केमिकल नेचर भी पूछ लिया जाता है। अच्छा, अब ये बॉन्ड बनता कैसे है तो ये देख लेते हैं। तो बहुत सिंपल है, जैसे कि ये अमीनो एसिड हमने एक लिखा, और ये R, और इसी के बगल में एक और अमीनो एसिड हमने लिखा। जाहिर सी बात है दो अमीनो एसिड को जोड़ना है तो लिखना पड़ेगा, ये R डैश मान लो। अब ये दोनों एमिनो एसिड आपस में जुड़ेंगे तो होता क्या है कि ये OH यानी COOH का OH और NH2 का एक हाइड्रोजन, ये इस तरह से यहाँ क्या निकल जाता है, वाटर। अब ये पानी निकल गया, तो जब पानी निकल गया तो अब ये किस तरह से ये दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये आप नीचे देख लीजिए। नीचे हम केवल इतना पोर्शन यहाँ पे बना दे रहे हैं, तो इसको अगर इससे हम इंडिकेट करें, इतना पोर्शन सिर्फ यहाँ पे बनाएंगे। नेक्स्ट पेज में तो इधर ये एमिनो एसिड वाला ये इधर पूरा ग्रुप था, इस ग्रुप से क्या बचा हमारे पास, सी और ओ ये बचा, और इधर ये वाला पूरा एमिनो एसिड का ग्रुप है। इस ग्रुप से अब ये जुड़ गया किससे, एन और एच, क्योंकि NH2 में एक एडिशनल जो हाइड्रोजन था वो तो पानी के साथ निकल गया, तो अब ये बचा हमारे पास। अब ये जो CONH बॉन्ड होता है, CONH बॉन्ड, इसी को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, इसी को आप पेप्टाइड बॉन्ड कहिए।
या एमाइड बॉन्ड कहिए। तो ये वाला क्या हो गया, अमीनो एसिड वन हो गया और ये वाला अमीनो एसिड टू। इन दोनों के बीच में ये बन गया एक पेप्टाइड बॉन्ड या एमाइड बॉन्ड। तो इस तरह से इस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि ये भी किस तरह की रिएक्शन है, एक कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन जहां पे एक मॉलिक्यूल वाटर का निकल जाता है जब दो एमिनो एसिड जुड़ते हैं। तो यहाँ पे भी अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स पूछेगा तो 50 एमिनो एसिड हैं तो उनके बीच में कितने बॉन्ड्स होंगे, 49, एक कम कर देंगे, जैसे ग्लाइकोसिडिक में हम देख रहे थे। तो टेक्निकलिटी यही है, सेम है। ये हो गया पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड भी कहते हैं या लिंकेज भी कहते हैं, बात एक ही है। अब ये डिपेंड करता है कि कितने एमिनो एसिड्स जो है वो जुड़ के एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो उसके बेसिस पे अगर दो एमिनो एसिड हैं तो डाईपेप्टाइड कहेंगे, तीन एमिनो एसिड हैं तो ट्राईपेप्टाइड, फिर टेट्रापेप्टाइड, अच्छा उससे ऊपर जब जाते हैं तो ओलिगोपेप्टाइड कह देते हैं, और जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो पॉलीपेप्टाइड कह देते हैं। तो इस तरह से ये टर्म है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं लाइन से कि ये डाईपेप्टाइड, बॉन्ड को नहीं काउंट करते हैं, हमेशा याद रखना। इसमें अमीनो एसिड्स को काउंट करते हैं, क्योंकि कई बार सवाल पूछा जा चुका है, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, कहेंगे भैया डाईपेप्टाइड है इसका मतलब कि दो पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, तो दो पेप्टाइड बॉन्ड होंगे तो अमीनो एसिड कितने हो जाएंगे, तीन अमीनो एसिड। तो ऐसे नहीं चलता है, यहाँ डाईपेप्टाइड अगर स्ट्रक्चर है तो उसमें डाई का मतलब वो एमिनो एसिड को काउंट कर रहे हैं, ट्राईपेप्टाइड में भी ट्राई से एमिनो एसिड को काउंट कर रहे हैं। तो डाईपेप्टाइड क्या है, टू एमिनो एसिड्स, ट्राईपेप्टाइड थ्री एमिनो एसिड्स। मतलब क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाओ तो एमिनो एसिड वन और एमिनो एसिड टू, ये दोनों। ट्राईपेप्टाइड कैसा होगा, एमिनो एसिड वन, एमिनो एसिड टू, एमिनो एसिड थ्री, इस तरह से ट्राईपेप्टाइड। तो ये हो गया। अच्छा और ऊपर जाओगे तो ओलिगोपेप्टाइड हो जाएगा, ओलिगोपेप्टाइड, और ओलिगोपेप्टाइड को ही जनरली पेप्टाइड कह देते हैं। अभी ना समझ लेना पेप्टाइड माने एक एमिनो एसिड, नहीं, ओलिगोपेप्टाइड के लिए टर्म पेप्टाइड यूज कर लिया जाता है। ओलिगोपेप्टाइड का मतलब कि अ फ्यू एमिनो एसिड्स, नंबर फिक्स नहीं है, कुछ एमिनो एसिड, तो मतलब कि लगभग 7, 8, 9, 10, बल्कि ये मान लो, अभी समझ में आ जाएगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड टर्म जो होता है वो क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड का मतलब हो गया मोर देन 50 एमिनो एसिड्स। अगर 50 से ज्यादा एमिनो एसिड आपस में जुड़े हैं तो उसको पॉलीपेप्टाइड कहेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि 50 से कम है अगर एमिनो एसिड्स तो उसको क्या कह देंगे, ओलिगोपेप्टाइड। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ओलिगोपेप्टाइड मतलब 50 एमिनो एसिड से कम, पॉलीपेप्टाइड मतलब 50 एमिनो एसिड से ज़्यादा, और अप टू 50 मतलब कि 50 तक भी है तो ओलिगोपेप्टाइड कहेंगे, लेकिन जैसे ही 51 हुआ तो वैसे वो पॉलीपेप्टाइड हो जाएगा, और ओलिगोपेप्टाइड को पेप्टाइड कहते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि संख्या पूछता है अक्सर इसमें। तो मेरे ख्याल से ये टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ एमिनो एसिड्स की, लास्ट टॉपिक है एमिनो एसिड में, ये फंक्शंस ऑफ एमिनो एसिड्स।
पहला फंक्शन क्या है आपको मालूम ही है कि ये क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। इसके अलावा जो ग्लाइसिन एमिनोसिड होता है, ग्लाइसिन क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स नाइट्रोजन फॉर, नाइट्रोजन के साथ साथ ये कार्बन भी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स नाइट्रोजन एंड कार्बन फॉर सिंथेसिस ऑफ पोरफायरिन। पोरफायरिन नहीं, ये बेसिकली पोरफायरिन का भी प्रिकर्सर होता है, जिसको हम कहते हैं प्रोटोपोरफायरिन, प्रोटोपोरफायरिन एंड हीम। तो अब ये प्रोटोपोरफायरिन और हीम जो है, ये क्या होते हैं, इन्हीं की हेल्प से हीमोग्लोबिन तैयार होता है। इसका मतलब ये हो गया कि ग्लाइसिन जो है वो हीमोग्लोबिन बनाने में बहुत बेहतरीन और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्लाइसिन की कमी हो जाएगी शरीर में तो हीमोग्लो भाई प्रोटोपोरफायरिन और हीम ही नहीं बनेगा तो हीमोग्लोबिन कैसे बनेगा, तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर 3, ट्रिप्टोफैन। अब जो ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड होता है, ये भी एक्ट करता है, उसी कलर से लिख दें, एक्ट्स एज प्रिकर्सर टू आईएए। अब आईएए क्या होता है, आईएए मतलब इंडोल 3 एसिटिक एसिड, और ये प्लांट हार्मोन है, फाइटो हार्मोन। अब कौन सा फाइटो हार्मोन है, ऑक्सिन, जो सेल के एलोंगेशन के लिए जिम्मेदार होता है। अच्छा, इसके अलावा ट्रिप्टोफैन एक और चीज बनाता है, तो दूसरी चीज क्या बनाता है ट्रिप्टोफैन, प्रिकर्सर टू विटामिन निकोटिनामाइड। अब ये तुम्हारा होमवर्क है कि बता, पता करना कि निकोटिनामाइड कौन सा विटामिन होता है। बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप में ही आता है, लेकिन कौन सा है, B3 है, B5 है, B6 है, B12 है, जो भी है, ये तुम लोग पता करना, कल बताना। इसके अलावा नंबर 4 पे जो एग्जाम्पल है हमारे पास, नंबर 4, वो है टायरोसिन, बड़ा इम्पोर्टेंट। हाँ सही है, B3 है, अच्छी बात है। तो नंबर 4 पे है हमारे पास टायरोसिन। अब टायरोसिन जो होता है, ये प्रिकर्सर होता है, प्रिकर्सर टू टू हॉर्मोन्स, दो हॉर्मोन्स का ये प्रिकर्सर होता है। और वो दोनों हॉर्मोन्स कौन कौन से हैं, पहला तो है थायरोक्सिन, नाम भी मिल रहा है टायरोसिन थायरोक्सिन, और दूसरा है एड्रिनेलिन, बड़े इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स हैं। तो इनके प्रिकर्सर के तौर पे टायरोसिन एमिनो एसिड रोल प्ले करता है। और इसके अलावा टायरोसिन जो है वो एक और चीज का प्रिकर्सर होता है, प्रिकर्सर टू मिलेनिन। मिलेनिन क्या होता है, स्किन, हाँ पिगमेंट, पिगमेंट होता है जो कि स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसके लिए भी ये टायरोसिन जिम्मेदार होता है प्रिकर्सर के तौर पे। अच्छा, इसके अलावा नंबर 5 बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी
हिस्टिडीन एक एमिनो एसिड होता है, हिस्टिडीन, अभी देखे थे आप लोग एग्जांपल। तो हिस्टिडीन जो है वो क्या होता है, हिस्टिडीन, और चलो यहाँ पे लिख देते हैं, यहीं लिख देते हैं, प्रिकर्सर टू हिस्टामीन, हिस्टामीन का प्रिकर्सर होता है हिस्टिडीन। तो ये मान लो हिस्टिडीन लिख दिया हमने, तो हिस्टिडीन का जब डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, डीकार्बोक्सिलेशन यानी कि एक CO2 ग्रुप इसमें से निकल गया, CO2 बाहर, तब बनता है हिस्टामीन। और ये हिस्टामीन क्या होता है, हिस्टामीन इज ए क्या होता भैया, नहीं महाराज, हिस्टामीन अमीनो एसिड थोड़ी होता है, अमीनो एसिड तो हिस्टिडीन है। हिस्टामीन जो होता है वो एक वैसोडाइलेटर होता है, और ये इस्तेमाल कब होता है, यूज्ड इन एलर्जिक रिएक्शंस, एलर्जिक रिएक्शंस। और इसको सिक्रीट कौन करती हैं, सिक्रीटेड बाय बेसोफिल्स, मास्ट सेल्स, ये दोनों टाइप की सेल्स इसको सिक्रीट करती हैं। तो ये चीज याद रखना भाई। अच्छा, ऑर्निथिन और सिट्रुलिन जो है वो यूरिया साइकिल में इस्तेमाल होते हैं, ये बात पहले ही हम बता चुके हैं, तो दोबारा उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से एक हमने लिखा था डापा, इसका फुल फॉर्म पीछे से देखना, वही डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड। तो डापा क्या होता है, इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल वॉल। तो प्रोकैरियोट्स के सेल वॉल में डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड पाया जाता है, साथ ही साथ ये लाइसिन की सिंथेसिस के लिए इंटरमीडिएट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया, ये नंबर 6 हो गया। फिर हमारे पास सातवां है एनकेफेलिन। अब ये एनकेफेलिन जो होते हैं, ये जनरली ये अमीनो एसिड नहीं होता है, ये ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड है, यानी कि 5 अमीनो एसिड इकट्ठा होके एनकेफेलिन बनाते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, पेंटापेप्टाइड। तो ये बेसिकली होता है पेंटापेप्टाइड, और ये इसको प्रोड्यूस कौन करता है, तो प्रोड्यूस्ड बाय नर्व सेल्स, यानी नर्वस सिस्टम का प्रोडक्ट है ये। और ये इसका फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन, इट फंक्शंस एज बॉडी ओपिएट। ओपिएट जो होती हैं वो मादक पदार्थ होते हैं, ओपियम प्लांट से मिलते हैं, ओपी या पोस्ता दाना वाला जो होता है, पेपेवर सोमनीफेरम जिसका बोटेनिकल नाम होता है। लेकिन ये कह रहे हैं क्या कि इट फंक्शंस एज बॉडी ओपिएट, यानी बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस होने वाला ओपिएट। तो ये करता क्या है, इट इन्फ्लुएंसेस परसेप्शन ऑफ प्लेजर एंड पेन। तो अगर आपकी बॉडी में एनकेफेलिन की मात्रा ज़्यादा होगी तो क्या होगा, आपको अच्छा फील होगा, बढ़िया लगेगा। लेकिन वहीं अगर ये कम हो गया तो फिर दर्द की अनुभूति भी होगी। तो जनरली होता क्या है कि एनकेफेलिन्स हो गए और एंडोर्फिन्स हो गए, जब बहुत
जबरदस्त चोट वोट लग जाती है, बॉडी शॉक की कंडीशन में आ जाती है, तो उस दौरान इनका सिक्रीशन बढ़ जाता है। तो उस चोट चपेट में तो दर्द नहीं होता है, लेकिन जब 10 घंटा 12 घंटा वेट कर लीजिए और इनका लेवल जो है वो कम हो जाता है बॉडी में, तब जो है पेन स्टार्ट होता है, क्योंकि धीरे धीरे ब्लड से इसको रिमूव करके और लीवर द्वारा बॉडी से बाहर कर दिया जाता है, और तब पेन जो है वो स्टार्ट होता है। तो सब केमिकल लोचा है। अच्छा, वो पॉइंट भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर दे रहे हैं कि जो एक्सेस अमीनो एसिड्स होते हैं उनको लीवर में डीएमिनेट कर दिया जाता है। तो एक्सेस अमीनो एसिड्स आर डीएमिनेटेड इन लीवर। तो लीवर में एक्स्ट्रा एमीन ग्रुप जो है उसको निकाल दिया गया, और जब एमिनो एसिड निकाल दोगे, मतलब एमीन ग्रुप निकाल दोगे एमिनो एसिड में से, जैसे कि NH2 CCOOH HR, अब इसमें से अगर हमने ये एमीन ग्रुप निकाल दिया, इसको हटा दिया यहाँ से, तो अब जो स्ट्रक्चर या जो हिस्सा बचा वो क्या हो जाएगा? जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर बचा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक एसिड। अब ये एमिनो एसिड नहीं रह गया क्योंकि एमीन ग्रुप तो निकल गया, तो अब ये ऑर्गेनिक एसिड जो है वो बचा, तो ये लीवर में ऐसे मौजूद रहता है। तो अब इस ऑर्गेनिक एसिड का लीवर क्या करता है? इट इज चेंज्ड इनटू ग्लूकोज। अब ऑर्गेनिक एसिड से ग्लूकोज बन रहा है, किसी कार्बोहाइड्रेट से नहीं, यानी किसी पॉलीसेक्राइड से तो ग्लूकोज बन नहीं रहा है, ऑर्गेनिक एसिड से यानी किसी नई चीज से बन रहा है ग्लूकोज। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी किसी नई चीज से या नए सब्सट्रेट से ग्लूकोज का फॉर्मेशन। तो दिस इज कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। और अब ये ग्लूकोज जो है वो डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म में इस्तेमाल कर लिया जाएगा लीवर के द्वारा। तो ये एमिनो एसिड की कहानी जो है यहाँ पे खत्म हो गई, कंप्लीट हो गया। अब एमिनो एसिड के बारे में इतनी जानकारी हमने कर ली है, तो इसके बाद हम प्रोटीन्स के बारे में जानेंगे। अभी तक कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो भैया, 2 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं। दो मिनट का ब्रेक है, अभी फिर जुड़ते हैं हम। ठीक है।
हाँ भाई, तो अब ये कंप्लीट हो गया है अमीनो एसिड। अब हम लोग प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। अगला हम लोग का टॉपिक है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन, इसके यूजेस वगैरह आपको सब मालूम है। कुछ टेक्निकल बातें हैं वो बता दे रहे हैं। टर्म जो था वो किसने दिया था? बर्जीलियस। कब दिया था? 1838 में। और ये बड़े लार्ज साइज हेट्रोपॉलीमेरिक मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। इसके बारे में कल बताए थे हम आपको। हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं क्योंकि अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड से जुड़ के ये बनते हैं। तो जनरली प्रोटीन के लिए पॉलीपेप्टाइड टर्म भी इंटरचेंजेबली यूज कर दिया जाता है। तो पॉलीपेप्टाइड टर्म इज यूज्ड इंटरचेंजेबली। तो प्रोटीन कहो या पॉलीपेप्टाइड कहो, समझ में वही आता है। अब बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है या बायो मॉलिक्यूल है ये तो हमको मालूम है। ये बल्कि ये कहें हम कि सबसे ज्यादा अबंडेंट और सबसे ज्यादा वैरायटी वाला मैक्रोमोलिक्यूल है सेल का। तो ये क्या है? मोस्ट अबंडेंट एंड मोस्ट वैरीड बायोमोलिक्यूल ऑफ सेल। मतलब वैरायटी इसमें इतनी ज्यादा है कि भाई 20 एमिनो एसिड्स, 20 टाइप के एमिनो एसिड्स हैं तो उसके कितने भी कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं। बहुत मतलब अनलिमिटेड, लगभग अनलिमिटेड कॉम्बिनेशंस आप समझ के रखिए। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी पॉलीपेप्टाइड में, जैसे कोई पॉलीपेप्टाइड है उसमें 100 अमीनो एसिड्स हैं, तो उस 100 अमीनो एसिड्स को आप अरेंज रीअरेंज करके, यानी पहला जो है वो दूसरे के बाद लगा दो, तीसरा जो है आठवें के बाद लगा दो, नौवां जो है वो पंद्रहवें के बाद लगा दो, ऐसे पंद्रहवां जो है वो लास्ट में रख दो सबसे, फिर 28वां जो है वो 91 नंबर पे लगा दो। इस तरह का रीअरेंजमेंट करके 20 into मतलब 20 to the power 100, 20^100 अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। अरेंजमेंट्स और टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स आर पॉसिबल। यानी 20 लिखो, 20 के सामने 100 जीरो लगाओ। अब वो का गिना, हाँ वो का गिनत रहो भैया, रात भर गिन के कॉल ही बतायो हमें। तो ये है मतलब डाइवर्सिटी। इसीलिए प्रोटीन जो होता है वो सबसे ज्यादा अबंडेंट और सबसे ज्यादा वैरायटी वाला बायोमोलिक्यूल जो हो पाया जाता है सेल के अंदर। अबंडेंट तो वैरायटी का तो हमने आपको बता दिया, इस तरह से वैरायटी देखी जा सकती है। और अगर अबंडेंस की हम बात करें तो ये सेल का लगभग 50% ड्राई वेट कॉन्स्टिट्यूट करता है, बनाता है। तो इट कॉन्स्टिट्यूट्स, इट लिख देते हैं, यानी प्रोटीन की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूट्स 50% ऑफ ड्राई वेट ऑफ सेल। आधा तो प्रोटीन ही है। ड्राई वेट की बात हो रही है। ड्राई वेट का मतलब कि सारा पानी सुखा दीजिए, उसके बाद जो सेल का कंटेंट बचे उसमें से आधा तो प्रोटीन ही होगा, बाकी आधे में बाकी सारे बायोमोलिक्यूल होंगे। फिर वैरायटी की अगर हम बात करें तो एक सिंपल सी बैक्टीरियल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल अगर आप ले लें,
इसमें भी 1000 से लेके 2000 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, या प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। टाइप्स की बात हो रही है, संख्या की बात नहीं, संख्या तो लाखों में हो, इतने प्रकार के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब देखने वाली बात ये है कि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग अपना कंपैरिजन जो है वो गोरिल्ला से, चिंपैंजी से, या ऑरैंगउटान, या सिंपल जो रीसस मंकी होता है, लाल मुहा बानर, इन सब से अगर हम अपने प्रोटीन्स का कंपैरिजन करें तो इनमें जो प्रोटीन्स होगी वो काफ़ी सिमिलर होगी हम लोगों में जो प्रोटीन पाई जा रही है उससे। लेकिन अगर यही हम मछलियों के प्रोटीन को ले लें, एम्फीबियंस के, या और नीचे चले आर्थ्रोपोडा मोलस्का, तो इनके जो इनमें जो प्रोटीन्स पाई जा रही होंगी उनमें और हमारी प्रोटीन्स में मतलब रिलेटिवली कम सिमिलैरिटी होगी। बहुत कम तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी काफ़ी कम होगी अगर हम बंदरों की तुलना अपने से करें। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रोटीन के या टाइप्स ऑफ प्रोटीन को कंपेयर करके हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। अगर कोई मान लो नई स्पीशीज मिली, अब उस नई स्पीशीज के बारे में हमको कुछ नहीं मालूम है, तो कुछ ना करो उस स्पीशीज के जो प्रोटीन्स हैं उसी को आइसोलेट करके उसको कैरेक्टराइज करो, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पीशीज है उनकी प्रोटीन्स से उसकी सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी चेक कर लो। जिन स्पीशीज से वो ज़्यादा सिमिलर प्रोटीन शो करेगी, जाहिर सी बात है उसके ज़्यादा वो क्लोज होगी। इसको हम लोग मॉलिकुलर फाइलोजेनी भी कहते हैं। वो इवोल्यूशन जब पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें देखेंगे ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। तो मॉलिकुलर फाइलोजेनी कहो या बायोकेमिकल फाइलोजेनी की ये बात वही है। फाइलोजेनी माने इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो इस सब काम में भी प्रोटीन का रोल होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने में। तो ये पॉइंट सिंपली हम यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं कि प्रोटीन सिमिलैरिटी या डिससिमिलैरिटी अमंग स्पीशीज हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब जब प्रोटीन की बात आ रही है तो प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होता है उसका साइज भी काफी ज्यादा वेरी करता है। तो वेरी करता है तो जाहिर सी बात है कुछ प्रोटीन स्मॉल होंगी, कुछ प्रोटीन जो है वो लार्ज और कॉम्प्लेक्स होंगी, डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शंस। तो अगर हम बात करें मिनिमम मॉलिकुलर वेट की, मिनिमम मॉलिकुलर वेट ऑफ प्रोटीन, तो किस प्रोटीन का मॉलिकुलर वेट सबसे कम होता है अभी तक जितनी पाई गई हैं, वो होता है ACTH, यानी कि एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। ये हार्मोन जो है हमारे एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकलता है, एड्रीनल ग्लैंड से। नाम ही इसका लिखा है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, तो समझ में आ ही रहा है। और इसका जो मॉलिकुलर वेट होता है वो कितना होता है, 4500 डाल्टन। तो 4500 इसका मॉलिकुलर वेट हो गया। अब वहीं पे अगर हम बात करें कि लार्ज साइज की कौन सी होती है, तो मतलब लार्जेस्ट तो नहीं कह सकते, अभी भी बहुत सारी प्रोटीन्स हैं, लेकिन लार्ज
या हाई मॉलिकुलर वेट कहो, हाई मॉलिकुलर वेट। तो हाई मॉलिकुलर वेट में आपका आ जाता है पीडीएच कॉम्प्लेक्स। अब ये पीडीएच कॉम्प्लेक्स क्या है? तो ये है पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज, पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। और इसका जो मॉलिकुलर वेट है, मॉलिकुलर वेट इसका है 46 लाख है भैया, 46 लाख डाल्टन, 4,60,000 नहीं है। तो ये है 46 लाख, बहुत होता है। अगर बात हम करें कि भाई केमिकली प्रोटीन किन किन एलिमेंट्स से मिलके बना होता है, तो यानी कि एलिमेंट्स इन प्रोटीन, तो हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, यही याद रखो, कहीं कहीं फास्फोरस भी लिखा है लेकिन वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो ये 5 एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए, इन्हीं से मिलके प्रोटीन तैयार होता है। तो ये एक बात हो गई। अब यहीं पे फैक्ट शीट की हम बात कर ले रहे हैं कि वाइट, एक प्रोटीन होती है कोलेजन। तो कोलेजन प्रोटीन क्या होती है? इट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ एनिमल वर्ल्ड, यानी एनिमल की बॉडी में जो सबसे अबंडेंट प्रोटीन होती है वो होती है कोलेजन, सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। वहीं पे एक रूबिस्को प्रोटीन होती है, ये बेसिकली एक एंजाइम है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? राइब्यूलोज बाइफॉस्फेट या बिसफॉस्फेट भी कहते हैं, बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, मतलब दोनों एक्टिविटी होती है इसमें, कार्बोक्सिलेशन की भी और ऑक्सीजनेशन की, इसीलिए रूबिस्को। तो सी कार्बोक्सिलेज हो गया और ओ ऑक्सीजिनेज हो गया। ये क्या होता है? ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, अबंडेंट प्रोटीन बेसिकली ये होता क्या है? एंजाइम इन प्लांट्स एज वेल एज होल बायोस्फीयर, पूरे ब्रह्मांड न कहो पृथ्वी ही कहो, बायोस्फीयर तो पृथ्वी के ही टर्म में है। पृथ्वी पे जितने भी प्रोटीन्स पाई जाती हैं उसमें सबसे अबंडेंट जो है वो रूबिस्को है। ये क्वेश्चन भी भैया बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो प्रोटीन के बारे में इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स हमने आपको बता दिए हैं। अब प्रोटीन का ऑर्गेनाइजेशन या इसके लेवल ऑफ स्ट्रक्चर्स, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी, इसके बारे में, उसके अलावा प्रोटीन के टाइप्स जो होते हैं वो भी अलग अलग बेसिस हैं, उसके शेप के बेसिस पे कितने टाइप का है, फंक्शन के बेसिस पे, फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे, क्वालिटी के बेसिस पे, तो इन सब के बेसिस पे जो टाइप्स हैं प्रोटीन के वो डिस्कस करना है। उसके अलावा देखो, न्यूक्लियोटाइड्स हम पहले ही बताए थे आप लोगों को, न्यूक्लियोटाइड्स जाकर डिस्कस करेंगे मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में, और इस चैप्टर के बाद क्लास 12th ही स्टार्ट करेंगे।
तो इसके अलावा हम लोगों को एंजाइम्स अभी डिस्कस करने हैं, ठीक है? तो अभी थोड़ा डिस्कस करना है, यानी कि अभी दो लेक्चर और लगेगा तब जाके ये कंप्लीट होगा चैप्टर, उसके बाद फिर हम लोग क्लास 12 से स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लेसन में कोई दिक्कत हुई हो क्लास में तो बताओ भैया, पूछ लो, कोई कंफ्यूजन हो तो। पूछ लो कोई कंफ्यूजन हो तो। सर ये जो फोटोसिंथेसिस के सर बनता है रूबिस्को वही वाला? हाँ वही है भाई, तो जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस कितने प्लांट्स में हो रहा है ये आपको मालूम ही है, और प्लांट्स की संख्या वैसे भी जानवरों की संख्या से तो बहुत ज्यादा है, नो डाउट। तो जब प्लांट्स की ही संख्या ज्यादा है तो उस प्लांट में पाए जाने वाले एंजाइम की भी संख्या ज्यादा होगी, मतलब मात्रा ज्यादा होगी, ठीक है ना भैया? सर हाँ भैया अब्दुल पूछो, क्या पूछ रहे हो? हैं? बॉडी ओपिएट, देखो ओपिएट्स जो होते हैं वो एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं, साइकिडेलिक ड्रग्स जिसको कहते हैं, ओपियम प्लांट से प्राप्त होते हैं वो, ठीक है ना? पोस्ता वाला पौधा जानते हो? नहीं जानते हो? अरे पोस्ता दाना जानते हो? पूछियो घर माहिया कि का हुआ था पोस्ता दाना। अरे उसका इस्तेमाल किया जाता है यार, वो पोस्ता दाना जो सीड्स होती हैं उसका तो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, हाँ उसमें डाल देते हैं, चाहे पोस्ते का बीज जो है कुछ लोग चाय वाय में भी डाल देते हैं, उसमें खुशबू थोड़ा अच्छी आती है, और उसकी लीव से, हाँ उसकी छोटे सफेद सफेद, हाँ, राई टाइप का होता है लेकिन सफेद कलर का होता है, काफी बारीक होता है, तो वो भी ओपियम प्लांट से ही प्राप्त होता है। तो ओपियम प्लांट से जो जो चीजें प्राप्त होती हैं उसके स्टेम से उसके लीव से, उनको कंबाइंडली एक साथ ओपिएट्स कहते हैं। अच्छा पोस्ता दाना या सीड्स को छोड़ दो तो बाकी जो भी चीजें उसमें से ऑब्टेन होती हैं वो नशा करती हैं, ठीक है ना? मतलब कि वो मादक पदार्थ के श्रेणी में आते हैं, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है ट्रीटमेंट के तौर पे, लेकिन कुछ लोग उसको अब्यूज करते हैं, जिसको ड्रग अब्यूज कहा जाता है, चर्सी स्मैकची ये सब हो जाते हैं, लोग उसको इस्तेमाल कर